नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, क्या आप जानते हैं बेलपत्र इस दिन तोड़ने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, या फिर आप पशुपति व्रत करते हैं, या फिर आप प्रदोष व्रत करते हैं, या फिर आप महाशिवरात्रि व्रत करते हैं, या फिर कोई भी आप शिवजी भोलेनाथ जी का व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आप इस दिन आप बेल पत्र ना तोड़ें। अगर आप सोमवार के दिन या प्रदोष व्रत के दिन या पशुपति व्रत के दिन आप बेल पत्र तोड़कर भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं, आपका व्रत खंडित हो सकता है। आप इसलिए बेल पत्र आप एक दिन पहले तोड़कर रखें। बेल पत्र को आप एक दिन पहले गीले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन आप बेल पत्र को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस मनोकामना के लिए आपने व्रत किया है, आपने बेलपत्र अर्पित किया है, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। परंतु गलती से भी इन दिनों में आप बेलपत्र ना तोड़ें और ना ही आप दोपहर के बाद बेलपत्र तोड़ें। जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो आप सुबह के समय बेलपत्र तोड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।